प्लानिंग कुछ और है, सूत्र क्या बता रहे? देखिए, चूंकि गुजरात से लेकर के आना है अतीक अहमद को, तो इसमें टाइम लगेगा। इसमें 2 दिनों का मार्जिन उन्होंने ले रखा है, लेकिन बरेली से लाने में कोई वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल 5-6-8 घंटे का वक्त लगेगा। इसलिए अशरफ को लाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और जिस दिन उसकी 28 तारीख को भी सुबह अशरफ को लेकर के ये लोग निकल सकते हैं। हालांकि फिलहाल अभी बरेली में कोई हलचल नहीं है, लेकिन चूंकि ये दोनों इस मामले के मुल्जिम हैं, आरोपी हैं, और फैसला रिजर्व है और फैसला आना है, तो उम्मीद ये की जा रही है। और जो जानकार हैं, जो पुलिस में, वो ये भी बता रहे हैं कि दोनों की पेशी होनी है। जहां तक अतीक अहमद का सवाल है, तो उनके बारे में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करने के बाद बकायदा जो प्रोडक्शन वारंट है उसे लेकर के जो पुलिस है वो वहां पहुंची हुई है। अब वहां कागजी प्रक्रिया चल रही है। अब बिल्कुल जब भी होगा वो निकल, ठीक है अभिषेक, आप नजर बनाकर रखें। गुजरात दोबारा हम रुक करते हैं। गोपी गांगर हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। गोपी, प्रोसीजर पूरा हो चुका है, ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा चुका है, और कितना वक्त लगेगा उसको वहां से निकलने में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कानूनी प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया इस वक्त वहां पे चल रही है कोर्ट के अंदर ही। मैं आपको पहले तो वो दृश्य दिखाती हूँ, साबरमती सेंट्रल जेल का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं, जो मेन गेट है वो आपको दिखाती हूँ कि ये साबरमती सेंट्रल जेल का मेन गेट वाला हिस्सा है। वही बगल में ऑफिस है, और उसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा 100 मीटर आगे चलते हैं तो वहां पे हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां पे अतीक अहमद को रखा गया है। अब साबरमती प्रयागराज पुलिस जो है, उसके जो अधिकारी आए हुए हैं, ये अधिकारी इस वक्त साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद है। वहां पे जो साबरमती के कर्मचारी है, जो SP और DYSP है, इन दोनों से जो सारी लीगल फॉर्मेलिटी रहती है, क्योंकि अब फैसला आना है। फैसला आने में वैसे में जो कोर्ट के जरिए जो ऑर्डर दिया गया होगा, वो कोर्ट के का ऑर्डर जो है वो लेकर यहां पे पहुंचे हुए हैं। अतीक अहमद जो है, इसे इसी गेट से बाहर निकाला जाएगा, और सीधा जो टेम्पो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये साबरमती प्रयागराज पुलिस की जो वैन है, इस वैन को वही गेट के पास ले जाया जाएगा, और उसके बाद साबरमती जेल से जो अतीक अहमद है उसे इसी टेम्पो से सड़क के रास्ते सीधा प्रयागराज ले जाया जाएगा। फॉर्मेलिटीज सारी चल रही है। माना जा रहा है कि ये जो पूरी फॉर्मेलिटीज रहती है, इसे करने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग रहा है। यूपी पुलिस की जो टीम है वो करीब 11 बजे के आसपास यहाँ पे पहुंची है, तो वैसे में 2 से 3 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पे लग सकता है। और क्योंकि समन सबमिट करवाना रहता है, और अतीक अहमद जो कि हाई सिक्योरिटी जोन में है, यहाँ तक कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबरमती सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था, तो ये भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। उसकी सुरक्षा को लेकर ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट की जाएगी, कितने सुरक्षा कर्मी आए हैं, किस तरीके से ले जाएंगे, ये सारी चीजें सबमिट करनी रहती है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो होगी, और उसके बाद यहाँ से अतीक अहमद को लेके जाएंगे। लेकिन अतीक अहमद को इसी साबरमती सेंट्रल जेल का जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से अतीक अहमद को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, वो उसके ठीक सामने करीब 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर बना हुआ है, तो वहीं पे अतीक अहमद को उसी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा। आप देख सकते हैं कुछ पुलिस कर्मी बाहर आ रहे हैं, बात करने की भी कोशिश करते हैं, शायद यूपी पुलिस के जो कर्मचारी है वही है, तो अब देखते हैं कि बिल्कुल उन्हीं से बात करने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं वो। सर सर यूपी से है। सर सर कब अतीक अहमद को कब तक, कितने बजे तक ले जाएंगे? नो कमेंट। देखिए बात नहीं कर रहे हैं। सर सर कब तक ले जाएंगे यहाँ से, कितनी देर में? सर आपकी जो पूरी लीगल प्रोसीजर है कितनी देर में खत्म हो? नो कमेंट, कुछ नहीं कहना चाहते। सर लेकिन प्रोसीजर यहाँ पे अतीक अहमद को लेकर जाया जाएगा, 2007 का कौन सा मामला है? एक सेकंड। देखिए यूपी पुलिस के जो अधिकारी है वो इस मामले में किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं आशुतोष, और जो पूरी लीगल प्रोसीजर है वो सारी यहाँ पे की जा रही है। देखिए यूपी पुलिस के जो सीनियर अधिकारी है वो यहाँ से बाहर निकले, हालांकि कुछ भी बता नहीं रहे हैं, इनकार कर दिया है उन्होंने कुछ भी बताने से, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो यहाँ पे लगता है कि हो चुकी है। अब कुछ ही देर में अतीक अहमद को बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात है,
बड़ी तादाद में यूपी पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। ये यूपी पुलिस के जवान है जो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बेहद देखना भी दिलचस्प होगा कि जब पूरा रास्ता यहाँ से, क्योंकि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाना कई किलोमीटर का ये सफर है, वैसे में ये दो टेम्पो है, एक बलेरो लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो ये भी देखना रहेगा सड़क के रास्ते लेकर जा रहे हैं। आशुतोष।